सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज के पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे करोना दे अंकड़िआं दी, कैप्टन सरकार दे फैसलिआं दा। हुण पूरे पंजाब दे विच विरोध होण लगा है। भगवंत मान ने विरोध किया है, अकाली दल ने विरोध किया है, अते समाज सेवी भी कैप्टन सरकार दे फैसलिआं दे खिलाफ मैदान विच नितर आए ने। सारी जानकारी तुहानूं दिंदे हां। अध्यापकां दी ड्यूटी एक बार फिर तो अजिही ला दित्ती गई है जो कि विवादों के घिर गई है। युवापा के खिलाफ हुण जंग पूरे पंजाब विच फैलदी दिखाई दिंदी है। खालसा एड भी इस युवापा कानून के खिलाफ मैदान दे विच नितर आया है। कैप्टन सरकार के दाव्यां दी फूक कढ़दी एक खबर भी तुहानूं दिखावांगे जिहड़ी कि बठिंडे तो आई है। सारा कुछ तुहानूं दसदे हां, पर सब तो पहला शुरुआत करदे हां थोड़े जे समय दे विच तुहानूं करोना के अंकड़े दस दिंदे हां। सब तो पहला दुनिया का अंकड़ा जिहड़ा कि पहुँच गया है 1,35,75,040 तक इन्ने केस हुण तक सामने आ चुके ने। 1.25 करोड़ तो वध ठीक होया दी गिणती 75,96,551 हो चुकी है। मौतों का अंकड़ा 6 लाख वल नूं वध रहा है। 5,84,556 मौतां पूरी दुनिया दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। हुण गल करदे हां भारत दी, जिथे रोज़ नवां रिकॉर्ड बन जांदा है। अंकड़ा पहुँच गया है 9,68,876 तक। ठीक होयां दी गिणती 6,12,815 तक पहुँच गई है। मौतों का अंकड़ा 24,915 तक पहुँच गया है। गल करिए पिछले 24 घंटिया की, तो भारत दे विच नवां रिकॉर्ड बन गया है। 32,695 नवे केस पिछले 24 घंटिया दे विच आ चुके ने। अते मौतां भी 606 होईयां ने, जो कि बहुत वड्डी गिणती कही जा सकती है। हुण आउने आ अपने सूबे पंजाब दे वल, जिथों दा टोटल अंकड़ा जो है वह पहुँच गया है, जिथों दा टोटल अंकड़ा पहुँच चुका है 9,094 तक। 6,277 ठीक हो चुके ने। 2,587 इस वेले पंजाब दे विच एक्टिव केस ने। 230 मौतां पंजाब दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। गल करिए पिछले 24 घंटिया विच ठीक होए मरीजां दी, तां 410 मरीज़ पिछले 24 घंटिया विच ठीक हो चुके ने। 9 मौतां पंजाब दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। 298 नवे केस पिछले 24 घंटिया विच सामने आ चुके ने। जिलावार अंकड़ियां दे विच लुधियाना टोटल अंकड़ियां दे हिसाब दे नाल पहले नंबर ते बनिया होया है, अते सब तो ज़्यादा ठीक भी लुधियाना तो ही होए ने। इस तरह पंजाब दे विच हुण जिलावार अंकड़े भी वध दे दिखाई देंदे ने। 9,094 टोटल होए ने, 2,587 इस वेले एक्टिव केस ने, 6,277 ठीक हो चुके ने, अते 230 मौतां पंजाब दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। इस तों बाद हुण वधदे आ अगली खबर दे वल। कैप्टन सरकार दे वल्लों पहली गल तां कोई ठोस फैसला लिया ही नहीं जांदा, अते जदों कैप्टन सरकार दे वल्लों कोई फैसला लिया जांदा है तां उसदा पूरे पंजाब दे विच विरोध होना शुरू हो जांदा है। अते कल कैबिनेट दी मीटिंग सी जिस दे विच कई तरह दे फैसले लए गए, जिन्हां विचों बहुत सारे फैसलिआं दा हुण तों ही विरोध होण लगा है। कैप्टन सरकार दी कैबिनेट दे वल्लों इह मता पास कीता गया कि 15 सोशल मीडिया दे टीमां बनाईआं जाणगीआं, जिन्हां दे लई 7 करोड़ दा बजट वी रख गया। उस नूं लैके श्रोमणी अकाली दल ने आपत्ति जाहिर कर दिती है, उन्हां नूं इतराज़ है। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे चरणजीत सिंह बराड़ दा कहना है कि जदों लोकां दे लई कोई काम करना हुंदा है, उन्हां नूं कोई सहूलत देनी हुंदी है, तां कैप्टन दी सरकार दा खजाना खाली हो जांदा है। अते हुण सोशल मीडिया ते अपनी सरकार दे प्रति जो उन्हां ने लोकां दे सामने झूठियां गल्लां पहुंचाउणियां ने, उस दे लई करोड़ां रुपए खर्चण दा ऐलान कैप्टन सरकार दे वल्लों कर दिता गया है। कहिंदे ने कि कैप्टन सरकार दे खाण दे दंद हो ने अते विखाउण दे दंद होण ने, क्योंकि उन्हां दा मनना है कि सरकार ने जो ये 15 सोशल मीडिया दे टीमां बनाउणियां ने, उन्हां ने होर कोई काम नहीं करना, सगों सिर्फ ते सिर्फ लोकां दे सामने झूठ ही अफवाहां ही पेश करनियां ने, क्योंकि कैप्टन सरकार ने कुछ अज दा काम करना नहीं अते सोशल मीडिया टीमां सरकारी ने। उन्हां ने कहना है कि बहुत वधिया काम कीता। इस तरह पंजाब दे लोकां नूं गुमराह करन दे लई करोड़ां रुपया कैप्टन सरकार दे वल्लों खर्चा जा रहा है, अते जदों सहूलतां देणियां हुंदियां ने तां इन्हां दा खजाना खाली हो जाता है। एक होर फैसला कैप्टन सरकार दे वल्लों लिया गया सी, जल स्रोत महकमे दे विच 8700 दे करीब 8657 असामियां नूं कैप्टन सरकार दे वल्लों खत्म कर दिता गया है, जिस दा विरोध आप पंजाब दे प्रधान भगवंत मान ने किया है। कहिंदे ने कि पहलां तां इन्हां ने जाणबुझ के अपने अफसरां नूं एडजस्ट करन दे लई नवीं पोस्टां तैयार कीतियां। इशारा कीता करण अवतार सिंह दे वल, जिहड़े कि चीफ सैकटरी सन पंजाब दे, उन्हां दी जगह ते DGP दिनकर गुप्ता दी पत्नी विनी महाजन नूं पंजाब दा मुख सकत्तर लाया
गया है। भगवंत मान कहते हैं कि अपने अफसरों एडजस्ट करने के लिए नवीं असामियां तैयार कर लेंगे ने, उन्हों का ऐलान कर देंगे ने, पैदा कर लेंगे ने, जिहड़ियां पहलां बनिया होंदियां ने उन्होंने खत्म कर देंगे ने। वादा तो हर घर एक नौकरी का किया पर पहलां भी जिहड़ियां असामियां ने उन्होंने भी कैप्टन सरकार खत्म करन ते लगी हुई है। बहुत तिखा हमला भगवंत मान ने किया है। पंजाबी दे लफ्ज़ां में जेकर कहीए तां लाणतां पाउण दी कोशिश भगवंत मान ने कैप्टन सरकार नूं कीती है। एक होर फैसला कैप्टन सरकार वल्लों लिया गया सी, अगली खबर दे वल वध रहे हां, पर ओह वी कैप्टन सरकार दे फैसलियां दे विरोध दे नाल ही जुड़ी हुई है। दो सनती पार्क पंजाब दे विच लाउण दा ऐलान कैप्टन सरकार दे वल्लों कीता गया, एक है लुधियाने दे विच अते दूजी है राजपुरे दे विच। जिहड़ी लुधियाने वाली सनती पार्क लाउण दा ऐलान कीता गया उस दे विच सोशल मीडिया ते फुल चर्चा है कि मत्तेवाड़े दे जंगल नूं कैप्टन सरकार दे वल्लों उजाड़िया जाएगा। बहुत सारे समाज सेवी मैदान विच उतर आए, मत्तेवाड़ा जंगल दे विच भी पहुँच गए, उन्होंने कैप्टन सरकार दा विरोध करना शुरू कर दिता। पर भगवंत मान ने अज ओह वी मुद्दा चुकिया है, कहिंदे ने कि इन्हां ने जिहड़ियां पहलियां इंडस्ट्री वालियां जगह पईयां ने उत्थे तां इन्हां कोलों इंडस्ट्री लाई नहीं गई अते हुण इह जंगलां नूं उजाड़न नूं फिरदे ने। पहलां इही कांग्रेस पार्टी जदों ओपोजिशन दे विच सी तां इन्हां गल्लां दा ही विरोध करदी सी। सुखबीर सिंह बादल कहिंदे सन कि असीं ये काम करने ने, उदों विरोध करदे सन अते हुण जदों सत्ता दे विच आए ने तां उही काम हुण आप कर रहे ने। गल करिए मत्तेवाड़े दे जंगल दी तां कांग्रेस पार्टी दी सरकार दे वल्लों इह स्पष्ट कर दिता गया है कि जंगल दा उजाड़ा नहीं किया जाएगा। पंचायती जमीना जिन्हां पंचायतां ने अपनियां जमीनां दित्तियां ने उत्थे ही उद्योगिक पार्क लगेगा, उत्थे ही उद्योग लगणगे। पर सनती पार्क कहा जाता है, इस नूं लै के भी बहुत वड्डी खबर सामने आई है। सानेवाल का एक पिंड है, सानेवाल हल्के विच पैंदा एक पिंड सेखोवाल, जिसका जिक्र भगवंत मान ने भी किया है। उत्थों की सरपंच एक औरत है, उसने दावा किया कि प्रशासन उसके कोल आया अते कहा कि पिंड की 200 किला जमीन चाहिए है जिथे कि पार्कां बनाउणियां ने, तुरन फिरन वालियां, सैर करन वालियां, खेडन वालियां पार्कां बनाउणियां ने अते मेरे कोलो साइन करवा लए। पर बाद विच पता लगा कि 200 किला जमीन नहीं सी, जमीन सी 407 किले अते पार्कां खेडन वालियां नहीं, सैर करन वालियां नहीं, सगों उद्योग पार्कां बनाईयां जाणियां सन। पर सेखोवाल पिंड दी तुसी बदकिस्मती देखो कि इस पिंड दे लोकां ने 35-36 साल कोर्ट दे विच केस लड़ के ये जमीन लई सी अते उन्हां नूं हुण 5 साल भी अजे नहीं होए, पंचायती जमीन नूं ही ठेके ते लै के इत्थों दे सारे पिंड वाले अपनी रोजी रोटी चलाउंदे ने, उत्थे वाही करदे ने, अते 5 साल भी अजे नहीं होए इन्हां नूं जमीनां मिलियां नूं। अते सरकार ने धोखे दे नाल, पंचायत वल्लों दावा कीता जा रिहा है कि सरकार ने धोखे दे नाल उन्हां तों साइन करवा लए ने, जमीनां खोलियां ने। मुद्दा भी हुण भखदा दिखाई दिंदा है। बहुत सारे समाज सेवी जिन्हां दे विच लखा सिधाणा दा नां लिया जा सकदा है, सुख जगराओं दा नां लिया जा सकदा है, इस तों इलावा जो पुलिस वाले भी अजकल समाज सेवा विच लगे हुए ने, सुखविंदर सिंह दा नां लिया जा सकदा है, ये सारे इकट्ठे हो के, बलजिंदर सिंह जिंदू भी उन्हां दे नाल सन, ये सारे इकट्ठे हो के ये मुद्दा चुक रहे ने कि सरकार नूं जंगलां दा उजाड़ा नहीं करना चाहिए। जदों इन्हां तों पुछया जांदा इन्हां समाज सेवियां तों कि प्रशासन ने तां कह दिता है कि उजाड़ा नहीं करांगे, तां उह कहिंदे ने कि प्रशासन ते सानूं कोई वी भरोसा नहीं, क्योंकि जो जमीनी पद्धर से काम होना है, जो नक्शे तैयार हो रहे हैं उस दे विच जंगल का उजाड़ा किया ही जाएगा। अते उस पिंड की सरपंच जो सेखोवाल की सरपंच है उस दे नाल भी इन्हां समाज सेवियों ने मुलाकात की है। सतविंदर बिट्टी दे नाल भी इन्हां दी बहसबाजी हो गई सी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर ने सानेवाल तो, सतविंदर बिट्टी जो कि पंजाबी गायिका भी ने, उन्हां दे नाल भी इन्हां समाज सेवियों की बहसबाजी हो गई सी। वीडियो सोशल मीडिया से वायरल भी हुई है। पर मत्तेवाड़े के जंगलों नूं लैके, उस दे उजाड़े नूं लैके हुण मसला भखदा दिखाई दिंदा है। लगता नहीं कि ये लोग जो मैदान दे विच नितरे हुए ने सरकार नूं मत्तेवाड़े दे जंगलां दा उजाड़ा करन देणगे, पर की सरकार अपने कदम पिछे खिचेगी आने वाले दिनों दे विच ये देखण वाली गल होएगी। अगली खबर दे वल वधदे आ, खबर ये भी सरकार दे फैसलियां दे नाल ही जुड़ी हुई है। पहला अध्यापकों दीआं ड्यूटियां ला दित्तियां गईआं शराब दीआं डिस्टिलरियां ते कि कोई शराब की बोतल चोरी ना कर लवे। उस तो बाद नवां फरमान आ गया कि जो सैंड माफिया है किते रेत कोई चोरी करके ना लै जावे, अध्यापक उसका ध्यान रखणगे पुलिस नाकियां ते। अते हुण उसकी बहुत किरकिरी हुई सरकार की, बाद में वापस भी लैने पए सन, पर हुण अध्यापकों दीआं ड्यूटियां लुधियाणा प्रशासन के वलों जो बाहरों NRI आउणगे उन्हां नूं रिसीव करके क्वारंटाइन सेंटरां तक अध्यापक लैके जाणगे। जदों दा ये फैसला आया है उदों तो सरकार दी
फजीहत होनी शुरू हो चुकी है कि अध्यापकों इन्होंने समझिया की है, जिथे मर्जी अध्यापकों की ड्यूटी ला देंगे ने, जबकि उन्होंने इन्होंने कामों कोई भी सरोकार नहीं है। जबकि अध्यापकों की जेकर ड्यूटी लानी भी है, क्योंकि कोरोना चल रहा, स्कूल बंद पे ने, तो लिखित पढ़त वाले काम में लाई जानी चाहिए है, किसी चंगे काम में जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी हो, समाज में कोई सेध दिता हो, उस लाई जानी चाहिए है। पर सरकार प्रशासन लगातार अजिहिया जगह पर ड्यूटियां ला रहा है जिथे उन्होंने अपना फैसला बाद बदलना भी पैदा है। साबका पंजाब के साबका सिक्ख्या मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने इस लैके एक ट्वीट भी किया है, व्यंग किया है उन्होंने सरकार से कि किहे जिहे फैसले सरकार के वल्लों ले जा रहे हैं, पर पहला प्रशासन के वल्लों सरकार के वल्लों अपने फैसले वापस ले गए सन। ये देखने वाली गल होएगी कि हुण लुधियाना प्रशासन भी अपना फैसला वापस लैंदा है कि जां फिर अध्यापक NRI-आं नूं वेलकम कहिंदे दिखाई देणगे क्वारंटाइन सेंटरां तक। अगली खबर के वल वधदे हां जो कि कैप्टन सरकार दे नाल ही जुड़ी हुई है। UAPA कानून का मसला पंजाब दे विच हुण पूरी तरह भखदा दिखाई दिंदा है। पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खहरा, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, परमल सिंह खालसा, जगदेव सिंह कमालू, इन्हां सारे लीडरां दे वल्लों UAPA दे खिलाफ पंजाब दे विच लोक कचहरी नां की मुहिम छेड़ी गई है। जिथे भी कितें UAPA दे नां ते कोई नौजवान गिरफ्तार किया जाता है, उसके घर पहुँच जाते हैं, लोग कचहरी लाते हैं और सारे पुछते हैं कि की ये अत्तवादी बंदा हो सकता है जिहड़े फड़ के लै गए हैं। ये मुहिम हुण पंजाब दे विच नहीं सगों बाहरले मुल्कां दे विच भी जिथे जिथे पंजाबी वसदे ने फैलदी दिखाई दिंदी है। कनेडा तो बहुत सारिया वीडियो आ रही ने जो कि कह रही ने कि पंजाब सरकार को अजिहा नहीं करना चाहिए, जान बुझ के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। वड्डी गल इस विच उदों हो गई जदों खालसा एड वाले रवि सिंह ने सुखपाल सिंह खहरा का धन्यवाद कर दिता। किया क्यों है तुहानू दस दिंदे आ, मजीठा हल्के दे एक पिंड दा एक बच्चा है, 18 साल उसकी उम्र है, UAPA दे तहत उसनू गिरफ्तार कर लिया गया सी। पर जदों सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों पंजाब दे विच UAPA दे खिलाफ मुहिम विढ़ी गई, उस तो बाद मजीठा दे उस नौजवान नू UAPA तो डिस्चार्ज कर दिता गया, उसनू रिहा कर दिता गया। उस लड़के ने भी खहरा दा धन्यवाद किया, उस लड़के दे परिवार ने भी धन्यवाद किया, खालसा एड वाले रवि सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया से पोस्ट पा के धन्यवाद किया सुखपाल सिंह खहरा नू। जदों खहरा नू पता लग कि रवि सिंह मैनूं धन्नवाद कह रहे हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके रवि सिंह का धन्नवाद किया, शुक्रिया कहा कि तुसी मेरी मेहनत नूं रंग लाया, एक हिसाब दे नाल मेरी प्रशंसा करके बहुत चंगा किया। नाल प्रण भी लिया सुखपाल सिंह खहरा ने कि बिना किसी डर भय तो वो इस मुहिम नूं अगे भी चलाउणगे, क्योंकि खहरा का दावा है कि बहुत सारे लोगों के वलों उन्होंने धमकियां आ रही ने कि तू अजकल सही नहीं कर रहा, तेनों असी देख लवेंगे, बच के जाएगा कितने। अजिहिया धमकियों का जिक्र खुद अपने मूहों सुखपाल सिंह खहरा करते दिखाई देते हैं। अज भी दो लोग कचहरियां सुखपाल सिंह खहरा एंड टीम के वलों लाइया गई ने, दोवें मानसा के लाइया गई ने। मानसा शहर के सुखपाल सिंह खहरा अपनी टीम के नाल पहुंचे, उत्थे गुरतेज सिंह नामी व्यक्ति जो कि 40 साल लगभग उम्र है, उसनू दिल्ली पुलिस UAPA के तहत चुक के लै गई है हस्पताल के, मानसे के हस्पताल के दिल्ली की पुलिस आ के UAPA के तहत उसनू गिरफ्तार करके ले गई है। पत्नी मंजे ते बीमार पई है, बच्चे छोटे छोटे ने, प्यो भी मंजे ते बीमार पिया, बहुत तरसयोग हालत इस परिवार की है। खहरा ने दावा किया है कि पंजाब की सरकार नू दिल्ली सरकार दे कोल, दिल्ली पुलिस दे कोल जाके उसनू छुड़वा के लियाना चाहिए, पर खहरा नाल ही कहिंदे ने कि ए पुलिस पंजाब की पुलिस पंजाब की सरकार तो आप ही चुक लैंदी है, इन्होंने दिल्लियों की छुड़ा के लियाना है, पर वो कहिंदे ने कि असी आवाज़ बुलंद करते ही रहांगे। दूजी कचहरी भी मानसा दे विच ही लाई गई है जो कि अचानक लाई गई है, अमृतपाल सिंह नां दा नौजवान उत्थों चुक लिया गया है पंजाब पुलिस दे वल्लों, अते उस दा विरोध भी सुखपाल सिंह खहरा करदे दिखाई दिंदे ने। उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम है, अते बुढलाडा हलके दे विच अचानक पिंड पैंदा है। खहरा ने प्रिंसीपल बुधराम दा नां लए बिना भी उन्हां ते तंज कसिया है, कहिंदे ने कि इत्थों दा विधायक है आम आदमी पार्टी दा, जिसने कि अजे तक इन्हां दा हाल चाल भी नहीं जाणिया कि तुसीं किस हाल विच वसदे हो, पर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे ते UAPA दे मुद्दे ते एक भी लफ्ज़ बोलन तो इस वेले गुरेज कर रही है, सगों पंजाब एकता पार्टी वाले, क्योंकि खहरा अते आम आदमी पार्टी जो ग्रुप ने सोशल मीडिया से काफ़ी भिड़ते रहेंगे ने, पर इस वेले खहरा ग्रुप जो है सोशल मीडिया से उसकी लत उत्ते कही जा सकती है, क्योंकि वो मस्खरियां कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कि साडा लीडर तो UAPA के सीधी टक्कर लै रहा DGP के आप वाले कितने ने, जबकि पंजाब सिद्धांतक विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी है, उन्होंने ये मुद्दे चुकने चाहिए ने जेकर पंजाब के लोगों को धक्का हो रहा है। पर गल तुहानू इत्थे ये भी दस देना चाहते हैं कि सुखपाल सिंह खहरा ने जदों तो UAPA के खिलाफ मोर्चा खोलिया है
कांग्रेस पार्टी के वलों उन्होंने खालिस्तानी समर्थक दसिया जाना शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर राजकुमार विरका सुखपाल सिंह खहरा के मूँह से उन्होंने कह दिता, कल एक टीवी शो के डिबेट चल रही थी, उन्होंने कह दिता कि खहरा हुण खालिस्तानी समर्थक बनन का चा चढ़िया पिया, ये नवा ही चा चढ़िया खहरे नूं कि खालिस्तानियों का समर्थन करना है। इस करके ये मुहिम युवापा के खिलाफ पंजाब दे विच विड़ी हुई है। पर खहरा कांग्रेस पार्टी एको ही सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र दे विच तुहाडी पार्टी इस नूं काला कानून दसदी है, इसका विरोध करती है, तो पंजाब दे विच तुहाडी ही कांग्रेस पार्टी इस नूं लागू किवें कर सकती है। ये दोहरा रवैया कांग्रेस पार्टी के वलों क्यों अपनाया जा रहा है। युवापा का मसला पंजाब दे विच भखदा दिखाई देता है। NRI जो कि बाहर वसदे ने वह भी देख रहे हैं कि इस वेले पंजाब दे विच हो की रहा है, पर पंजाब पुलिस कहती है कि असी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सरकार कहती है साडा फर्ज है असी पंजाब दे विच अतवाद नहीं पनपन देना, जेड़ा उठेगा उसनू गिरफ्तार जरूर किया जाएगा, इस दे नाल ही शांति बहाली रहेगी। अगली खबर के वल वधदे हां जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक की पोल खोलती है। जलंधर केंद्रीय तो कांग्रेस पार्टी के विधायक रजिंदर बेरी के दोस्त का एक निजी होटल है, नाम है रॉयल ओकेजनस। उस दे विच सरकारी राशन देखा गया, उस दे विच सरकारी राशन पिया होया सी, देखा गया तो हड़कंप मच गया कि कांग्रेसी विधायक के दोस्त के निजी होटल के सरकारी राशन की करता है। निजी होटल वाले तो पूछा गया तो उन्होंने साफ दस दिता कि मेरा दोस्त है रजिंदर बेरी, उसने ही यह राशन रखवाया है। पूछा गया विधायक तो सोचा सी कि वह मुकर जाएंगे, पर वो कहिंदे ने मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं, ट्रक आउंदे ने राशन दे उसनू रखिए किथे, इस करके होटल दे विच स्टोर करके रखिया गया है। अगों काउंसलरां नू थोड़ा थोड़ा करके जिन्ना कु लोगों नू चाहिए है उन्हां नू असी वंड देंगे, इन्ना असी जो राशन आ रहा है उसनू किथे रखांगे, इस करके प्लैनिंग के तहत मैं सारे गरीब लोगों तक यह राशन पहुँचा रहा हाँ। पर विरोधी पार्टियों वालों सवाल यह चुकया जान लगा है कि विधायक किस संविधानिक हक के तहत सरकारी राशन नू एक निजी होटल दे विच रख के बैठा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी जिले का DC हुंदा है, उसने ही यह सारी वंड प्रणाली नू सिरे लाउणा हुंदा है। फिर विधायक किवें स्टोर करके अपनी मर्जी नाल किवें कौंसलरां नू देगा, क्योंकि विरोधी पार्टियां ये इल्जाम लाउंदियां ने कि कांग्रेसी विधायकों के कोल राशन पहुँच जाता है, फिर वह अपनी मर्जी के कौंसलरां नू जां फिर सरपंचां नू अपनी मर्जी के नाल राशन देंदे ने, जिथे कांग्रेस पार्टी के सरपंच जां फिर कौंसलर हुंदे ने उन्हां नू देंदे ने, जो विरोधी पार्टियां दे हुंदे ने उन्हां नू नहीं देंदे। पर सरकार दे वल्लों लगातार इस तो इनकार किया जा रहा सी, कहिंदे सन कि वंड प्रणाली बहुत वधिया तरीके नाल चल रही है, पर रजिंदर बेरी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि हाँ सारा सरकारी राशन उन्हां दे हलके दा उन्हां दे ही कब्जे विच है, अते जिस नू चाहणगे देणगे जिस नू चाहणगे नहीं देणगे। हरसिमरत कौर बादल इस गल नू देख के खबर नू सुन के बहुत गुस्से विच आ गए, फेसबुक ते एक पोस्ट पाई कि पंजाब दे विच हो की रहा है। BJP दे वल्लों प्रधानमंत्री मोदी नू चिट्ठी लिख दित्ती गई है कि इसकी जांच होनी चाहिए है, क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए रजिंदर बेरी के खिलाफ। पर कांग्रेस पार्टी का यह विधायक अपने आप को गलत मनने के लिए तैयार नहीं, कहता है सब ठीक है, बिल्कुल वधिया तरीके काम मेरे वालों किया जा रहा, सगों मैं तो लोगों के नुमाइंदे वजो उन्हां तक राशन बड़ा सेफ तरीके पहुँचा रहा हाँ। अगली खबर के वल वधदे हां जो कि आम आदमी पार्टी के वलों विरोधी धिर के नेता दे नाल जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहला उन्होंने चंडीगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दे विच उन्होंने जमीन घपले नू लैके एक खुलासा किया, एक कैबिनेट मंत्री ते इल्जाम लाए सन, अते मोगा तो कांग्रेसी विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ते भी उन्हां वल्लों इल्जाम लाए गए सन कि नैशनल हाईवे 105 दे उपर इन्हां वल्लों घट भा ते घट रेटां ते जमीना खरीद लिया गई ने, अते बाद विच इस नू एक्वायर कराउण वेले मुआवजा लैके ये अपना फायदा खट्टणगे। डॉक्टर हरजोत कमल दे वल्लों एक नोटिस भेजा गया सी LOP हरपाल सिंह चीमा नूं, उसका कोई भी जवाब ना आया, तो हुण कानूनी कार्रवाई की तैयारी हरजोत कमल ने कर ली है। कहिंदे ने कि मेरे ते इल्जाम जो लाए गए सन सरासर गलत ने, मैं तो कोई जमीन खरीदी नहीं, मुआवजा लैन की तो गल ही दूर है, नोटिस भेजा सी जवाब नहीं आया, ना ही कोई स्पष्टीकरण आया है, ना ही मुआफ़ी मंगी है, इस करके हुण कानूनी केस मानहानि का केस LOP हरपाल सिंह चीमा ते इस कांग्रेसी विधायक दे वल्लों हरजोत कमल दे वल्लों कर दिता गया है। इस तो बाद हुण देखण वाली गल ए होएगी कि हरपाल सिंह चीमा जो कि खुद एक वकील ने वो इस दा की जवाब देणगे, क्योंकि पहला उन्होंने नोटिस दा कोई भी जवाब नहीं दिता सी कि वो अरविंद केजरीवाल बनणगे, क्योंकि केजरीवाल ने मुआफ़ियां बहुत मंगियां ने, बहुत तजर्बा हो गया है कि उन्होंने नक्शे कदम से चल के वह भी मुआफ़ी मंगणगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना करता धरता अरविंद केजरीवाल नूं ही दसदी है, सारियां गल्लां उन्होंने अरविंद केजरीवाल दीआं चंगीआं लगदीआं ने। हो सकता है कि आने वाले दिनों दे विच LOP हरपाल सिंह चीमा मुआफीनामा भी सोशल मीडिया से तैरता होया
दिखाई दे जेकर मंगणगे असी तुहानू जरूर दसांगे। वधदे आ अगली खबर दे वल। कैप्टन सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह लें चोणां तो पहला वादा किया कि सारे किसानों का सारा कर्जा भावें किसी को भी लिया हो मैं देंगा तुहानू मोड़न की लोड़ नहीं। बिल्कुल इसे बॉडी लैंगुएज दे विच ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही सी अपने वालों उंगल करके मैं देंगा तुहानू देने की लोड़ नहीं। पर अजे तक चार साल सरकार हो चले ने पोल खुलती दिखाई देती है दाव्या की लगातार किसानों के वालों कर्जे दे करके ही खुदकुशियां कीतियां जा रही ने। सगों पहला नालों भी अंकड़े दसते हैं कि पहला नालों भी किसानों दी खुदकुशियां वध गई ने। नवी खबर आई है बठिंडा के पिंड संगत मंडी की जिथों के एक किसान ने 3 to 6 lakh रुपए का उसका कर्जा से 3 lakh कितों लिया सी एक जगह तो 3 lakh बैंकों तो लिया होया सी कर्जा नहीं उतर रहा सी ना ही दिस रहा भविख के कर्जा उतरेगा। डिप्रैशन किसान चला गया गड्डी थले आ के उसके वालों खुदकुशी कर ली गई है। यह दुखदाई खबर खुद उसके पुत्र ने ही सुनाई है कि मेरे पिता डिप्रैशन के चले गए सन उन्होंने कोई आसरा उम्मीद की किरण आस की किरण नहीं दिसदी सी इस करके ही उन्होंने वालों खुदकुशी कर ली गई है। पर ज्यों ज्यों ये खुदकुशियां हो रही ने त्यों त्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस दावे की पोल खुलती दिखाई देती है जिहड़ा कि वह लगभग हर वार कर देंगे ने कि असी वादा किया असी कर्जे मुआफ करांगे अते असी कर्जे मुआफ कर रहे हाँ जबकि असलीयत कुछ हो रही है जो कि खबरों के सामने आ ही जाती है। यह अज का पंजाबी प्राइम टाइम कुछ वो खबर जो थोड़े तक पहुँचाया बहुत जरूरी सन। इन खबरों किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे थोड़ी कोई भी राय या सुझाव है तो कमेंट करके तुम अपनी राय दे सकते हो। जेकर चैनल पर नवे आए हो तो इसको सबसक्राइब कर लो बैल वाला बटन भी जरूर दबा लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो साडा पेज लाइक कर लो। इस पंजाबी प्राइम टाइम को अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाओ शेयर करो ता जो वह भी पंजाब दियां इन्हां खबरां तो जाणू हो सकण। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी हर खबर दा सच।